रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रोडवेज के कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। वह चाहे नेपाल में भूकंप त्रासदी रही हो या कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का कार्य रहा हो, जिससे प्रभावित होकर मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क परिवहन निगम की प्रशंसा की गई थी। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम संकट का साथी है, लेकिन निगम के कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर निगम प्रबंधन से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं, परंतु मांगों पर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को निगम प्रबंधन व शासन के संज्ञान में लाने के लिए 7 दिसंबर को प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन जनपद में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जनपद में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 10 दिसंबर को रेलवे बस स्टेशन के प्रांगण में एक रैली निकालते हुए क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय तक जाएंगे, जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर आम सभा में परिवर्तित हो जाएगा तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर। महेश कुमार राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष, गोरखपुर क्षेत्र। संदर्भ की जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दिनांक 7 दिसंबर 2021 को पूरे प्रदेश में धरना देकर के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदयों के माध्यम से ज्ञापन देना है। उसके उपरांत अगर दिनांक 20 दिसंबर 2021 तक जो 5 सूत्रीय मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया गया तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अगली रणनीति तय की जाएगी, परंतु गोरखपुर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, इसके वजह से 10 दिसंबर 2021 को ये कार्यक्रम गोरखपुर स्टेशन पर सभी गोरखपुर क्षेत्र के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारी उपस्थित होंगे और यहां से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय तक पैदल मार्च करके वहां धरना करने के उपरांत ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों का 2018 से डीए बकाया है, इसमें से तत्काल अभी 3% डीए दिया गया, जबकि वो देय तिथि से देना चाहिए था, और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको हर 2 साल के बाद और 5 साल के बाद 5,000 से 7,000, 7,000 से 9,000 मानदेय बढ़ाए जाने की योजना थी, परंतु आज तक वो भी निस्तारित नहीं हुआ। उसी प्रकार परिवहन निगम में वर्कशॉपों में ठेका प्रथा से काम हो रहे हैं, इस ठेका प्रथा में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिसके वजह से इसका विरोध किया जा रहा है कि ये ठेका प्रथा बंद करके जो ठेका प्रथा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जाए और उनकी बढ़ोतरी की जाए। उसी प्रकार संविदा साथी का विगत 5 वर्षों से जो प्रतिवर्ष 10% उनके वेतन में बढ़ोतरी की जानी थी नहीं की गई, केवल इधर विगत महीनों में 6% की बढ़ोतरी की गई है जो नाकाफ़ी है। इसलिए यह हमारी मांग है, हमारे रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व की मांग है कि इनकी नियमितीकरण की योजना बनाई जाए, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इन जो नियमित कर्मचारियों का 7वें वेतनमान का जो एरियर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उसकी कार्य योजना बना करके उसका भुगतान कराया जाए।